हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज शनिवार सकाल रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। हजारे तळे राजधानी रे संक्रमण, गतकाली भुवनेश्वर चिन्हट हेले 988 कोरोना आक्रांत, सेपटे सुस्थ हेले 777 जण। भुवनेश्वर रे गतकाली हजारे तळे रहिछे संक्रमण, गतकाली गोटे दिन रे चिन्हट होइछन्ते 988 कोरोना आक्रांत। क्वारंटाइन सेंटर रु 166 जण चिन्हट होइतिबा बेले 822 लोकल केस चिन्हट होइछन्ते। सेहिपरी 777 कोरोना आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरी। भुवनेश्वर, मंचेश्वर, रसुलगढ़, हंसपाल, पहाड़, शहीदनगर, सत्यनगर, झारपड़ा, खंडगिरी, पटिया, जयदेव विहार, नयापल्ली, कल्पना, बमिखाल, बरमुंडा, चिंतामणेश्वर, एजी कलोनी, पलासपल्ली, पोखरीपुर, शैलेश्री विहार, सामंतरापुर आदि अंचल पॉजिटिव चिन्हट होती। परवर्ती है, गतकाली राज्य में कोरोना सुस्थ हेले 9329 आक्रांत, खोर्धा जिलार सर्वाधिक 1214। राज्य में गतकाली कोरोना 9329 जन सुस्थ होती। खोर्धा जिलार सर्वाधिक 1214, सुंदरगढ़ जिलार 1136 जन आक्रांत आरोग्य लाभ करिसेंति। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष ट्वीट जरिए यह सूचना दि जाएगी। एथसहित राज्य में कोरोना सुस्थ होता आक्रांत संख्या 491674 को वृद्धि पाई। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार गतकाली कटक जिलार 780 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। बरगड़ 487, संबलपुर 470, नुआपड़ा 434, कलाहांडी 410, अनुगुल और झारसुगुड़ 384 लेखाएं, पूरी 319, बलांगीर 313, नवरंगपुर 312, मयूरभंज 288, गंजाम 261, नयागढ़ 206, बौद्ध 200, रायगढ़ 199, केन्द्रापड़ा 190, बालेश्वर 151, जगतसिंहपुर 147, सुवर्णपुर 123, गजपति 116, केन्दुझर 113, ढेंकानाल 90, कोरापुट और मालकानगिरी 72 लेखाएं, जाजपुर 71, कंधमाल 53, भद्रक 52, देवगढ़ 33 और राज्यपुर 249 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। परवर्ती है, कोरोना कटकणा को दृष्टि रखी श्रीजगन्नाथों चंदन यात्रा। कोरोना महामारी और धार्मिक समावेश उपरे राज्य सरकारों पक्षर जारी कटकणा को दृष्टि रखी श्रीजगन्नाथ चंदन यात्रा को केवल परंपरा तथा विधि रक्षा निम्ते सर्वनिम्न सेवायत मान उपस्थित पालन करने को छत्तीसा निजोग बैठक निष्पत्ति ग्रहण करमें। श्रीमंदिर फांडी और श्रीमंदिर कार्यालय निकटर नरेन्द्र पुष्करणी पर्यंत जा रास्ता परिसर में जनसाधारण प्रवेश कटक 144 धारा जारी करा। कटकणा आज अपराह 3टा ठार आसंता जून मास 4 तारीख रात्रि 9 घटिका पर्यंत जारी रहिबो। एही समय मध्य विधि पालन और रीतिकांति बेले संपृक्त व्यक्ति विशेष मास्क परिधान और यथाविधि सामाजिक दूरत्व रक्षा करिबो। परवर्ती है, 15 दिन मध्य राज्य मानू 1.92 कोटी टीका मागणारे जोगाई देबो केन्द्र। टीका अभाव जोगु सारा देश में टीकाकरण प्रभावित होइथिबा बेले केन्द्र सरकार गतकाली एक बड़ घोषणा करिछन्ति। चलित मास शेष सुधा राज्य मानू प्राय 1.92 कोटी डोज टीका मागणारे प्रदान करा जीवो बोली केंद्र सरकार कहिछन्ति। ए संपर्क में एक ट्वीट करी घोषणा करिछन्ति केंद्र परिवेश और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। से कहिछन्ति जे मे 16-31 मध्य राज्य मानू 1.92 कोटी टीका जोगाण दिया जीवो। गणमाध्यम सूत्र मिलिथिबा सूचना अनुसार एही 1.92 कोटी डोज मध्य प्राय 1.62 कोटी डोज कोविशील्ड और 29,49,000 डोज कोवैक्सीन रही। क्यों राज्य और केन्द्रशासित अंचल को केबे टीका पठा जीवो ताहा आगुआ जणाई दिया जीवो। परवर्ती है, सुना किणवार सुवर्ण सुजोग, ह्रास पाइला दर। अक्षय तृतीया दिन में सुना किणा को बहुत शुभ बोली धरा जाए, तेबे तो लॉकडाउन हेतु दुकान बजार और मॉल आदि बंद रही। एभली परिस्थित में किसी दुकानी ऑनलाइन सुविधा भी देखते, तेरे अक्षय तृतीया अवसर में सुना किणवाक चाहूबा ग्राहकों पर सुवर्ण सुजोग रही। सुना दर ह्रास पाई, सुना दर 70 टका ह्रास पाई 10 ग्राम सुनार मूल्य 47,337 को खसी आसी। 24 कैरेट 10 ग्राम सुना मूल्य 47,760 रही, 22 कैरेट सुना मूल्य 46,140, 18 कैरेट सुना मूल्य 38,210 और 14 कैरेट सुना मूल्य 31,760 रही। परवर्ती है, चाषी आमर गर्व और गौरव, देश पाएं अवदान अतुलनीय। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में राज्य सरकार कालिया योजना चाषी मान बैंक अकाउंट को टंका पठाई। सरकार कालिया योजना किस्ती टंका पठाई कथा कहते, सरकार मोट 920 कोटी टंका पठाई, एथिरे मोट 42 लक्ष चाषी परिवार उपकृत हेबे। एही अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिछन्ति कालिया योजना चाषी भल योजना, एही टंका लोकंकर मन
मनरे खुशी आनिछि। कालिया टंका चासीर ऋण भार लाघव करिछि। चासी माने एही टंका को चास काम रे लगाइबे बोली मोर विश्वास। मुख्यमंत्री कहिछन्ति जे चासी आमर गर्व और गौरव, समाज देश पई चासी को अवदान अतुलनीय। गत वर्ष कोविड बेले चासी माने अर्थनीति को बल देइथिले। मो राज्यर चासी भलरे रहु सेथि पई काम करूछि। चास काम पई लॉकडाउन कटकणा नाही, किंतु कोविड नियम माने चास करंतु। एथर भल पाग रहु जगन्नाथक ठारे कामना करूछि। चासी परिवारर उन्नति हेउ बोली नवीन कहिछन्ति। परवर्ती दिला पूणी बढ़िला पेट्रोल डीजेल दर। भुवनेश्वर दर केते जानंतु। चलित सप्ताह चतुर्थ बढ़ी पेट्रोल और डीजेल दर। गत काली पेट्रोल और डीजेल दर यथाक्रमे 29 पैसा और 34 पैसा वृद्धि पाई। एही वृद्धि पर देशर केतेक राज्य जेपरी कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में पेट्रोल दर 100 टपी जाई। एही वृद्धि पर दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 92 टंका 34 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 82 टंका 95 पैसा बिक्री होउछि। एहीपरी भुवनेश्वर पेट्रोल लिटर पिछा रेकर्ड स्तर 93 टंका 4 पैसा पहुंची जाई। सेहीपरी डीजेल दर 90 टंका 37 पैसा पहुंची। परवर्ती हेला मास्क को सठिक रे व्यवहार कले विशल्यकरणी भली काम करिवो। घर भीतर बाहर को न जाई मध्य वयस्क व्यक्ति कोरोना संक्रमण रो शिकार हेउछंती। घरर अन्य युववर्ग कोविड 19 नियम पालन करूनथिबारु एभली होई पारे बोली राज्य सरकारक विशेषज्ञ डाक्टर अनुमान करूछंती। तेनु संक्रमण को एडाइबाकु हेले मास्क पिंधिबा हेउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम। विशेषज्ञ डाक्टरक कहिबा अनुसारे घरे थिले भी मास्क पिंधिबा, सामाजिक दूरता रक्षा करिबा ओ बारंबार हात धोइबा। राज्य सरकारक सूचना और लोक संपर्क विभाग सांबादिक सम्मेलन में विशेषज्ञ डाक्टर निवेदिता पाणी परामर्श देइछन्ति जे मास्क को ठीक भाव में व्यवहार कले विशल्यकरणी भली काम करिबो। बजार में मिलुथिबा मुख्यतः तीन प्रकार मास्क पिंधिबा पूर्वरु सतर्क रहिबार अछि। मास्क नाक ओ पाटी को घोड़ाई रखिबा दरकार। मास्क पिंधिबा पूर्वरु भल भाव में हात धुआ जिबा दरकार। कॉटन मास्क को साबुन रे सफा करि पुणी व्यवहार करि परबे। सर्जिकल मास्क को धोई कि पुणी थरे व्यवहार करा जाई पारिबो नाही। मास्क को पिंधिबा पूर्वरु सतर्क रुहंतु बोली विशेषज्ञ डाक्टर श्रीमती पाणी परामर्श देइछंती। तेनु मास्क रो सम्मुख भाग को धरि काढंतु नाही। N95 मास्क 95% संक्रमण को रोकि पारे। होम आइसोलेशन रे थिबा रोगी मध्य डबल लेयर थिबा मास्क पिंधिबा उचित। परवर्ती टीला मे 17 सुधा अति भयंकर सामुद्रिक बात्या रे परिणत हेबो तौकत। केरल ठारु गुजरात पर्यंत बर्षिबो। आरब सागर गुरुवार सृष्टि होइतिबा लघुचाप गतकाली एक डीप डिप्रेशन रे परिणत होइछि। एहा आजि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हेबार संभावना रहिछि बोली भारतीय पाणिपाग विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। आईएमडी बुलेटिन रे कुहा जाइछि जे 15 तारिख राति किंबा 16 तारिख सकाळ बेळकु एहा सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा भयंकर बात्या ओ 17 तारिख बेळकु एहा भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा अति भयंकर बात्या रे परिणत हेबो। एही समय रे पवन रो वेग घंटा प्रति 150 रु 160 किलोमीटर ओ केतेक समय रे एहा 175 किलोमीटर टपी पारे बोली आईएमडी पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। परवर्ती टीला आसंता 24 घंटा मध्य राज्य अनेक जिले में वर्षा और वज्रपात आशंका। आसंता 24 घंटा मध्य राज्य अनेक जिले में वर्षा वज्रपात आशंका नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्ष पूर्वानुमान कर। आसंता 24 घंटा मध्य केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मलकानगि, कलाहांडि, नुआपड़ा, कटक और केन्द्रापड़ा आदि जिलार गोटे दुईटी स्थान में सामान्य वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती टीला हैदराबाद रे रशिया टीका स्पुटनिक 5 रो प्रथम डोज प्रयोग कला डॉक्टर रेडिस। डोज पिछा मूल्य 995 टंका। गतकाली हैदराबाद रे डॉक्टर रेडिस लैबोरेटरीज कोविड 19 निरोधी रशिया स्पुटनिक 5 रो प्रथम डोज प्रयोग करिछि। रूस रो आमदानी करा जायतिबा एही टीका भारतीय बाजार रे डोज पिछा 995 टंका 40 पैसा रे मिलिबो। परे भारत रे एही टीका उत्पादन हेले मूल्य ह्रास पाई पारे बोली डॉक्टर रेडिस लैबोरेटरीज कहिछि। गतकाली सामान्य आयोजन रे कोविड टीका स्पुटनिक 5 रो शुभारंभ करा जिबा सह हैदराबाद रे टीकार प्रथम डोज प्रयोग करा जायछि बोली एक बिबृति रे डॉक्टर रेडिस लैबोरेटरीज कहिछि। गतकाली हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेडिस लैबोरेटरी स्पुटनिक 5 रो प्रथम डोज नेइछन्ती कस्टम फार्मा सर्विस वैश्विक मुख्य दीपक साप्रा। परवर्ती टीला सरिला अपेक्षा पबजी रो विकल्प बैटल ग्राउंड मोबाइल पई भारत रे आरंभ हेबो प्री रजिस्ट्रेशन। भारत रे पबजी बैन हेबा परे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फैंस को अपेक्षा शेष होइछि। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रो प्री रजिस्ट्रेशन तारीख बाबद रे घोषणा करिछि कंपनी। एहा सह
କ୍ରାପ୍ଟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 17 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କି ନାହିଁ।